हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र मित्रों, आज मैं त्रिकोणमिति के उन क्वेश्चन को लेके आया हूं जो इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में, यहां तक कि आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने यहां पर कुछ फॉर्मूले भी इस हेल्प के लिए ले रखे हैं जो फॉर्मूले इन क्वेश्चनों में प्रयोग होंगे। यहां पर मैंने साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले को लिख रखा है। मैंने दोस्तों मैंने कई बार देखा है, कई बार सुना है, बच्चे कहते हैं सर त्रिकोणमिति बहुत प्रॉब्लम करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि चेस खेलते हो आप, चेस आपने खेला होगा। चेस में क्या होता है, एक गेम को खेलने से पहले उसके आगे के मोहरों की चालों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो वही ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको यही करना है, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो मंजिल तक आसान पहुंचोगे। आइए करते हैं और सीखते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, यहां पर मैंने ये लिख रखा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, यहां पर लिख रखा है साइन 70 प्लस साइन 50 बराबर अंडर रूट 3 कॉस 10। ठीक है, सन 2006 में, 2008 में और 2010 में तीन बार लगातार यह प्रश्न आ चुका है। चलिए हम यहां पर शुरुआत करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। साइन 70 प्लस साइन 50, यहां साइन सी प्लस साइन डी, यानी पहला फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का। लोग कहते हैं फॉर्मूले नहीं याद होते, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन का काम ही नहीं है। आप एक फॉर्मूले को याद कर लो, अपने इंटरचेंज कर लो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ अपना, आपको बहुत जल्दी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। यहां देखिए साइन 70 प्लस साइन 50, यहां है साइन सी प्लस साइन डी, यानी यूज्ड फॉर्मूला फर्स्ट। मैं लिख दे रहा हूं यूज्ड फॉर्मूला फर्स्ट, यह लिखा है, मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूं 2 साइन 70 प्लस 50 अपॉन 2 इंटू कॉस, लेफ्ट हैंड साइड मैंने नहीं लिखी, 2 साइन 70 प्लस 50 अपॉन 2 इंटू कॉस 70 माइनस 50 अपॉन 2, ये हो गया 2 साइन 120 अपॉन 2 इंटू कॉस 20 अपॉन, ये हो गया 2 साइन 60 इंटू कॉस 10, ये 60 हुआ, ये 10, ये हो गया 2 साइन 3। ये आपका फॉर्मूला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा मित्रों क्वेश्चन में। देखिए, सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के प्रयोग से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब बात आती फॉर्मूले की, मैंने जो अभी कहा था, जैसे यहां पर देखिए फर्स्ट फॉर्मूला, यहां पर लिखा है साइन सी प्लस साइन डी। देखिए सीधी तरीके से देखिए, पहले साइन आ रहा है, यानी 2 साइन दो एंगल को जोड़ रहे हैं और फिर कॉस आ रहा है। ठीक है, सिंगल सेकंड नंबर का फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, यहां कॉस आ गया पहले और साइन बाद में आया है। ठीक है, दो फॉर्मूले कंप्लीट, यानी पहले साइन फिर कॉस, लेकिन माइनस वाले में पहले कॉस फिर साइन, दोनों में सी प्लस डी है, सी माइनस डी है, सिंपल है। अब अगला है कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी के अंदर दोनों कॉस आते हैं, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, यानी सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी माइनस, कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों माइनस साइन आते हैं, लेकिन लास्ट वाले एंगल में एंगल चेंज हो जाता है, पहले डी आ जाता फिर सी आ जाता। क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, याद नहीं हो रहे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए यहां पर मैंने सेकेंड क्वेश्चन को लिया, एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर 180। तो प्रूव करिए, प्रूव दैट
देन प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी बराबर 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 सच है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने टेंथ की टेंथ में तो देखा ही है, इलेवन ट्वेल्थ में भी है और आपका आगे एग्जामिनेशन में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए करते हैं किस तरह से ये होगा। तो सबसे पहले टेकन लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ठीक है, एल एच एस साइन ए साइन बी माइनस साइन सी। अब यहां पर देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों से बात करूंगा, साइन सी प्लस साइन डी यूज्ड फर्स्ट फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां नहीं लिखता हूं, यही लिखूंगा। टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू माइनस साइन सी। अब यहां देखिए यहां साइन सी है, यहां पर साइन टू थीटा है तो टू साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहां ए का एंगल है तो यहां हाफ एंगल आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं टू साइन सी वाई टू कॉस सी वाई टू, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं यूज फर्स्ट फॉर्मूला एंड फिफ्थ फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको ये दो लाइनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब मैं नेक्स्ट देखो यहां पर जैसे यहां पर जो गिवन दैट है यहां पर मैं लिख रहा हूं ए दन बी दन सी, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, ठीक है। यहां पर क्या चीज है हमारे पास, हमें क्या बदलना है, हम इसको बदलते हैं साइन सी बाई टू को, चलिए ए प्लस बी सबके नीचे आधा लिखा है तो मैं सबके नीचे आधा कर देता हूं पहले, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने दोनों पक्षों में हाफ एंगल का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां रखते हैं हम ए प्लस बी अपॉन टू, सॉरी c अपॉन टू बराबर 180 बटे ए बाई टू माइनस बी बाई टू, ये हो गया 180 को क्रॉस करेंगे 90 और इसको लिख ले रहा है ए बाई टू, ठीक है। अब इसमें यहां पर साइन सी वाई टू है, ठीक है, साइन सी वाई टू है, यहां पर कॉस सी वाई टू है, साइन का दोनों पक्षों में गुणा करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मैंने एलसीएम लेके मैं डायरेक्ट लिख दिया, परेशान बिल्कुल ही मत होना, ठीक है। ये हो गया, अब ये साइन सी वाई टू की जगह मैं यहां पर कॉस ए प्लस बी वाई टू रख सकता हूं, ठीक, यहां पर पहली कंडीशन। अब अभी तक मुझे कुछ कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा, चलिए एक बार और लगाते हैं, साइन ए प्लस बी साइन 90 माइनस थीटा कॉस सी वाई टू, देख लीजिए मैंने दोनों कंडीशन को कर दिया है। अब इस साइन ए प्लस बी वाई टू को जगह मैं कॉस सी वाई टू को रख दे रहा हूं और इसकी जगह इसको लिख दे रहा हूं,
आइए करते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। टू साइन ए प्लस बी बाई टू ये लिख रहा हूं, टू कॉस सी बाई टू लिख दे रहा हूं, ठीक है, या लिख रहा हूं कॉस ए माइनस बी माइनस टू साइन सी बाई टू, और सी बाई टू की जगह लिख सकता हूं कॉस ए प्लस बी बाई टू। और cos c by 2, ठीक है। अब यहां से मुझे 2 cos c by 2 कॉमन लिया, ये आया cos a माइनस बी बट्टे 2 इंटू माइनस cos a प्लस बी बट्टे 2, 2 cos c by 2, यहां लगेगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, यानी यूज्ड फॉर्मूला नंबर 4। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे 2 साइन सी प्लस डी ए माइनस बी प्लस अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी डी माइनस सी B से B क्रॉस अपॉन 2 और आएगा इसके नीचे ये वाला और ये फॉर्मूले वाला, टू कॉस ये हो गया 2 साइन ए वाई टू इंटू साइन बी वाई टू, फोर साइन ए वाई टू साइन बी वाई टू इंटू कॉस। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है, मैं दोबारा से इसको बता दे रहा हूं, थोड़ा आपको शायद मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आया आपको। या देखिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, फिर उसके बाद फॉर्मूला फर्स्ट और फॉर्मूला फिफ्थ को लगाया, ये लिखा है फॉर्मूला फर्स्ट और फॉर्मूला फिफ्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने सामने इसीलिए फॉर्मूले को लिख रखा है जिससे आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ये आ गई पोजिशन। अब यहां से मुझे कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा, तो मैंने सबसे पहले इसको बदलने की कोशिश करी, कॉस सी बाई टू, सी बाई टू को बदला मैंने, सी वाई टू को बदला तो साइन सी वाई टू, साइन दोनों पक्षों में लिखा तो साइन सी वाई टू रहा, कॉस ए प्लस बी वाई टू आ रहा है, तो इससे कोई मतलब निकल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। अब मैंने यहां लिखा टू साइन ए प्लस बी वाई, इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि प्लस तो कर सकते माइनस नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको फिर बदला, ए प्लस बी वाई टू यहां रखा, सी वाई टू को उधर भेजा, साइन का दोनों पक्षों मल्टीप्लाई करा और ये कॉस सी वाई टू आ गया, यानी इस फंक्शन की जगह इसको रख दिया, ठीक है, इस फंक्शन की जगह इसको रख दिया और इस फंक्शन की जगह इसको रख दिया, और यहां पर हमारी फॉर्म बन गई 2 cos a माइनस 2 cos c by 2 और 2 cos c by 2, यहां से कॉमन मिल गया, ये और ये सीधे सीधे उतर गए, और यूज्ड फॉर्मूला नंबर 4 यहां लिख दे रहा हूं मैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यूज्ड फॉर्मूला, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अगला मैं क्वेश्चन उठा रहा, देखिए गाइस मैंने तीसरा क्वेश्चन लिखा है, ए यदि उसी टाइप का है, वहां पर हाफ एंगल में था, ये फुल एंगल में है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 3 बार आया है, यदि ए धन बी धन सी बराबर 180
तो सिद्ध करो साइन टू ए साइन टू बी माइनस साइन टू सी बराबर फोर कॉस ए कॉस बी एंड साइन साइन सी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले used formula first, used first and fifth 2 sin 2a 2 sin 2a plus 2b upon 2 into cos 2a minus 2b upon 2 माइनस साइन टू साइन सी कॉस सी सेकेंड टू साइन टू कॉमन ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस टू कॉमन ए माइनस बी अपॉन टू टू से टू कैंसिल किया टू साइन सी कॉस सी ये आ गया। अब यहां पर हम वही चीज को उठाएंगे, यह लिखा है a धन b धन c बराबर 180। ये वैल्यू है a प्लस b, a प्लस b को यहां लिखेंगे ओनली और 180 माइनस c को उधर पहुंचाएंगे। साइन है बगल में तो साइन का दोनों पक्षों में मल्टीपल करेंगे ठीक है। अब ये हो गया आपका साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन साइन रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होता है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन सी ठीक है। अब देखिए टू साइन साइन ए प्लस बी की जगह लिख सकता हूं साइन सी और कॉस ए माइनस b c cos। अब sin c ये है और sin c 2 sin c को मैंने कॉमन निकाला cos a माइनस b और cos c। अब cos c को फिर से हम करेंगे यहीं पे, मैं बगल में कर ले रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। सी को यहां रखता हूं और ए प्लस बी को उधर भेजता हूं ठीक है। यहां क्या कॉस कॉस का दोनों पक्षों में गुणा करता हूं कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 नहीं बदलता तो ये हो जाएगा कॉस लेकिन माइनस का कॉस ए प्लस बी आएगा। ये वाली वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, यहां पर मैं कर रहा हूं टू साइन ये हो गया टू साइन सी कॉस ये लाइन है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी, हमें इसको सॉल्व करना है। अब टू साइन सी इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी ठीक है माइनस कॉस सी की जगह हम लिख सकते हैं माइनस कॉस ए प्लस बी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज्ड टू साइन सी ठीक है। अब यहां है कॉस सी प्लस कॉस डी यानी यूज्ड फॉर्मूला नंबर 3, तो ये क्या हो जाएगा टू कॉस a माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बट्टे बी से बी कैंसिल ए से ए कैंसिल, ये आ गया टू साइन सी टू कॉस टू ए अपॉन टू इंटू कॉस
माइनस टू बी बट्टे टू साइन सी टू कॉस ए, ये हो गया टू, दो दूनी चार में कर दे रहा हूं यहां पर, फोर साइन सी कॉस ए और कॉस बी। देखिए यहां पर माइनस का जो एंगल आ रहा है, यहां पर जो कॉस माइनस का बी है ये आपका प्लस का हो जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक, कॉस और सेक अगर माइनस का एंगल है तो प्लस का हो जाता है, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और साइन हो आपका साइन कोसेक हो और टेन कॉट हो, ये दोनों माइनस के हो तो वो माइनस के ही रहेंगे, लेकिन ओनली कॉस और सेक ही प्लस के होते हैं। ठीक है, अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को जरूर मेरे पास भेजें, जिससे आपकी प्रॉब्लम मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे चैनल से आप कुछ सीख पा रहे हो, फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो जरूर आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर रखें। जय श्री, जय हिंद, जय भारत।